ओके, एक्सरसाइज का थर्ड नंबर। द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर मटेरियल ए एंड बी आर शोन इन फिगर। देन द ग्राफ्स आर ड्रोन टू द सेम स्केल। अगर सेंटीमीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है स्ट्रेस, तो बी मटेरियल में भी स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसे बोलेंगे सेम स्केल। ठीक है, तो इसमें पहला जो आंसर देना है आपको, देखते हैं क्या बोला है। विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग मॉड्यूलस, किसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, ऐसा बोला है। ठीक है ना। ओके, पहले तो मैं आपको यंग मॉड्यूलस का इक्वेशन सिखाता हूं। यंग्स मॉड्यूलस, सर ये तो हमें आता है, कोई बात नहीं। यंग मॉड्यूलस यानी स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ठीक है ना। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा, क्योंकि देखो स्ट्रेस वाई एक्सिस पे है, स्ट्रेन एक्स एक्सिस पे है, तो लाइन, ये लाइन का इक्वेशन, तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स, एम इज स्लोप, ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, सॉरी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा स्ट्रेस, सिग्मा इज इक्वल्स टू एम और स्ट्रेस स्ट्रेन यानी एप्सिलॉन, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन यानी स्लोप। स्लोप को तो यंग मॉड्यूलस बोलते हैं, यानी यंग मॉड्यूलस यानी क्या हुआ, स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड यंग मॉड्यूलस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखूंगा स्लोप ऑफ ग्राफ इज यंग मॉड्यूलस। ओके, किसका स्लोप ज्यादा है, तो भाई इट इज क्लियर दैट मटेरियल ए, जो ग्राफ ए है उसका स्लोप ज्यादा है, ठीक है ना। तो यंग मॉड्यूलस इज ग्रेटर, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस इज ग्रेटर फॉर मटेरियल ए, ग्रेटर फॉर मटेरियल ए। और ये स्लोप कैसे ज्यादा होगा, जिसका एंगल यहाँ पे ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो ए का एंगल ज्यादा है तो थीटा ज्यादा है, थीटा ज्यादा तो टेन थीटा ज्यादा, टेन थीटा ज्यादा तो उसका मतलब स्लोप भी ज्यादा होगा, ठीक है। बी देखो, विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल, दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गर है, तो भाई किसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा है, तो भाई ए का, ठीक है। दूसरी बात, जो स्ट्रेस है वो फ्रैक्टिंग मटेरियल है, बराबर। द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर फ्रैक्टिंग अ मटेरियल एंड दैट कोरिस्पोंडिंग टू इट्स फ्रैक्चर पॉइंट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो फ्रैक्चर पॉइंट होगा वो मटेरियल की स्ट्रेंथ दिखाता है, ओके। और वो मटेरियल ए के लिए बी से ज्यादा है, तो कौन वो हुआ हमारा स्ट्रॉन्गर, कौन हुआ, मटेरियल ए, मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन देन मटेरियल बी, बराबर। मटेरियल ए जो है वो बी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। थैंक यू।